अभी दोपहर हो रहे, दोपहर हम निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। नितेश बताएगा हम कहाँ जाने वाले। लोग जा रहे हैं कोटूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। आइडियली सुबह जाना चाहिए जब एलिफेंट लोग को नहाते हुए देख सकते हैं, बट अभी भी चलते देखते हैं कैसा क्या दिखने को मिलता है। कृष्णा भी पहला बार जा रहा है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे पहले आए हो? बहुत पहले, कोड़ीकोट। कोड़ीकोट अलग जगह हो गया, बट ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी सच में बहुत है। इस ब्लॉग में बने रहे, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलेगा। कोटूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर त्रिवेंद्रम सिटी से अराउंड 38 किलोमीटर है, और अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हो तो आपको अराउंड 1 hour 20-25 minutes लगेगा। और यहाँ हमारा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये लेफ्ट में आपको रबर प्लांटेशन दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक्स्ट्रा कैमरामैन भी है और हमारी प्रो ब्लॉगर पीछे चुप है क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। नहीं लो। पूरा ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचते पहुंचते हमें ये महाशय मिल गए। गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कोटूर एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। और पार्किंग वहां पर है और टिकट वहां पे लेना है। देखते कितना चार्ज होता है, मैं आपको बता देता हूं। रिहैबिलिटेशन सेंटर में एंटर होने के लिए आपको टिकट खरीदना होगा। पर एडल्ट टिकट 40 rupees का है और चाइल्ड अबव 10 years का 25 rupees। और अगर आप प्रोफेशनल कैमरा ले जाना चाहते हो अंदर तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज है। और टिकट काउंटर के बाजू में एक आर्टिफैक्ट्स का शॉप है जहां आपको ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स मिलेगा। अब हम एंटर करने वाले हैं। आप नहीं करना है ब्लॉग। मुझे बोतल चाहिए। नहीं मिलेगा। ये देखो, ये कोक का बॉटल में भर के लाए क्योंकि हमारे पास 1 liter वाला फ्रिज वाला बॉटल था। ये बोला बहुत सारा पानी चाहिए होगा, वहाँ खाने पीने का कुछ नहीं मिलता है, बैग भर के खाना और ये लेके आया है। जब ट्रैवल कर रहे हो पानी बहुत इम्पोर्टेंट, जल है तो जीवन। जल है तो जीवन। बॉटल ड्रॉप मोमेंट आप लोग सुन रहे हैं ना गाइस? बॉटल ड्रॉप मोमेंट था कि नहीं? नहीं था। कौन बोलेगा? और हमें पहला हाथी दिख चुका है जो कि राजू है। छोटा है, वो छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा। वहाँ पे दिखा दो, वहाँ पे उसका जो पत्ता गिरा हुआ है उधर ही रहता है। वहाँ पे उसके अंदर घर में रहता है, बच्चा है 3 साल का, वो अंदर चला गया, अभी देख नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत सारा हाथी दिखेगा। अभी सिर्फ 5 आती है यहाँ पे, सिर्फ 5। पहले काफी शादी शायद सिर्फ 5 आती है। यहाँ पे हाथी को नहलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन अभी पानी बहुत कम है इसलिए शायद वो अभी नहला नहीं रहे, तो हम लोग ब्लॉग में वो नहीं दिखा पाएंगे, बट बाकी सब कुछ दिखाएंगे ब्लॉग में, बने रहे। देखिए काफी लोग आया है यहाँ पे घूमने के लिए। गाइस, ये लोग का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रहा है। दिखाती हुई खाती दिखा, बहुत ही प्यारा क्यूट सा बच्चा है। देखो हाथी को मैं हिलवा देता हूं। कुछ तो मैं बोल रहा हूँ जिसके कारण वो रिएक्ट कर रहा है। देखो हाथी को मैं हिलवा देता हूँ। और
गाइस ये हम तीसरा हाथी देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा जितना अभी हमने देखा है। वाह गजानन। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग आएँ, ताकि आप अराउंड 8 o'clock यहाँ पहुँच जाएँ, ताकि उस समय क्लाइमेट भी अच्छा रहे और आप एलिफेंट्स लोगों को नहाते हुए भी देख पाएंगे। मॉर्निंग में कैसा लग रहा है ह्यूमिडिटी? बहुत गर्मी है, भयानक वाला जला रहा है एकदम। तो कोई बात नहीं, थोड़ा घूमने के लिए तो नहीं वो नहीं है, कुछ खाने का नहीं है। अब ब्रेड है, बटर है, चॉकलेट्स है। जब मैं लास्ट टाइम आया था 2020 में, तो अराउंड 10 एलिफेंट था और वो मॉनसून के बाद आया था, तो बिल्कुल जो रिजर्वॉयर था भरा हुआ था और पूरा एलिफेंट को नहाते हुए देखना। और अभी कम है इस समय हाथी, और हाथी को फिर छोड़ देते हैं ना वापस से। रिहैबिलिटेट करके अगर वो वापस वाइल्ड में जा सकते तो शायद छोड़ते हैं, ये तो मोस्टली यहाँ पे वो सब जो झुंड से बिछड़ गए हैं या फिर इंजर्ड हैं वही सब इधर रखते हैं। यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और यहाँ कैंटीन भी है जहाँ आपको खाने को और पीने को पानी सब मिल जाएगा। जब मैं पहला बार आया था तो पानी बिल्कुल वहाँ तक था, जहाँ वो ब्राउन ख़त्म हो रहा, ग्रीन ग्रास स्टार्ट हो रहा वहाँ तक। लेकिन अभी पानी कम हो गया, समर चल रहा है, पूछ रहा है, इसलिए हाथी को ये लोग ज़्यादा देर नहीं नहला पा रहे, पानी काफ़ी कम है। बड़ी दोपहरी में आ गए हम लोग 1 बजे। थोड़ा सा छाव में बैठिए, हम रेस्ट करेंगे। यहाँ सुबह आ सकते हैं, यहाँ 8 बजे सुबह खुल जाता है ये। तो सुबह में हाथी को भी इस रिवर में नहलाया जाता है, आप वो भी देख सकते हैं। अभी तो इतना गर्मी है तो हाथी को इधर लाया जाए, पानी भी बहुत कम हो गया है। आप सुबह में आ सकते हैं, सुबह सुबह ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फील होगा। यहाँ बोटिंग भी हो रहा है, दोपहर का टाइम, इतना धूप में बोटिंग कर रहा है। हमें तो बोटिंग करने का मन था, बट शाम को सोचे थे हम लोग बोटिंग करेंगे, लेकिन शाम के 5 बजे ये बंद हो जाता है, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो एनिमल्स आते हैं, इसलिए बंद कर दिया जाता है। पर क्या ही कर सकते, शाम को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। पानी यहाँ तक रहता था बट अभी गर्मी के कारण। और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हमें लगा कि अब हमें वापस जाना चाहिए।
हम लोग हाथी देख के आ गए, हाथी देख के काफी भूख लग गया है। वहाँ एक कैंटीन था पर पता नहीं बंद था शायद, तो दिखा नहीं हम लोग को, खुला नहीं था शायद। तो हम लोग ब्रेड बटर लेके आए हैं और बाहर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी है। आप लोग अगर आते हैं यहाँ तो सुबह में आइएगा, 8 बजे खुल जाता है सुबह के, वरना अभी के टाइम में तो भाई खतरनाक है। मानसून में आ सकते हैं इस टाइम में, अच्छा वेदर है तो। कृष्णा कुछ कहना चाहता है? ये चलता कैसे ये नहीं मालूम। चलो हम लोग ब्रेड बटर खाते हैं। लो कृष्णा ट्रिप खत्म हुआ यहीं। काफी मजा आया, काफी गर्मी लगा, 5-6 हाथी देखे और फोटो खींचे, ब्रेड खाए और अब वापस जा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।